तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई रात में। अब रात शुरू हो गई है। तो एक्चुअली ये मसला ऐसा है कि आज यूनिवर्सिटी से मैं आया, अपना काम वगैरह जो भी था वो ख़त्म करके उसके बाद तरुण के साथ मैं वर्कशॉप पे गया अमित भैया की। वहाँ से गाड़ी उठाई गया तरुण के साथ गया, उसको वहाँ ड्राइव किया, फिर दोबारा जिमनी में आया, कमरे में लेटा हुआ था। तो उससे सबसे बड़ा जो हमें ब्लेंडर लगा, क्योंकि मैं अभी जो थी खिचड़ी मूवी जो थी वो देख के ख़त्म की थी, तो उसमें वो हिमांशु। तो उसके बाद हमें जैसे ही फ़ोन आया एक गेस्ट का बहुत, तो उनका हम जो बर्थडे था वो हम नेक्स्ट डे को अज्यूम कर रहे थे कि उनका वो, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन किया और उन्होंने दो शब्द कहे हमें जो हम इस पे बोला अभी मधुरबानी में हम बोल ही सकते, दिख दे गाड़ी चला दी नहीं। तो जी जो है आज हमारी जो बड़ी बहन है हमारे पूरे परिवार की, हम अपनी नहीं कहेंगे, हमारे पूरे परिवार जनरेशन में सबसे बड़ी जो है हमारी बहन जो है वो अब आंटी बन गई है। ये हमारी पूनम दीदी है। पूनम दीदी देखो, सॉरी, इसके लिए हम सॉरी, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। ऋतु इधर देखो, इधर देख, हेलो टाटा, ओके सी यू बाय। तो जीजा जी अभी गाड़ी चला रहे हैं, इनको अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, अभी देखते हैं कहाँ जाएंगे। ये भी सरप्राइज है गाइस, ये सरप्राइज है। पर आपको पता है एक चीज़ क्या हुई, मैंने इतनी देर से रिकॉर्डिंग लगाई थी, ये मैंने 0.2 पे रखी थी, हमारी सिर्फ आंखें दिख रही होंगी इसमें। कोई बात नहीं गाइस, एक पूरा ब्लंडर हो गया, क्योंकि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड किया ये मैंने 0.5 पे रखी। तो एट द एंड ये सीन से सभी अब जाते हैं, कहाँ पे जाना है ये सब कहानी जो है वो आपके, तो तब तक बने रहिए, स्टे ट्यून्ड एट सो चैटर्ड एट सो बाय बाय। ऋतु क्या बच्चे यार, हम ये फोन ही ले गया मैं। सर रुद्रांश, तरुण मामू इधर है, तरुण मामू, मामू फोन आए, तरुण मामू फोन आई है और तुषार मामू वीडियो बनाई है। बताओ हमारे भांजे साहब जो है वो छत पे चढ़ के, ऋतु कैसा लग रहा है देखो, ये। तो जी अभी आ गए हैं जमींदारा में, पहले भी यहाँ पे आए थे हम, रिकी जैसे आए थे ना दीपम, हम यहाँ पे आए थे ना, बिल्कुल आए थे। तो हाउ इज योर फीलिंग, मैं दो दिन पहले आई थी, अभी वो लोग मेरे को वापस देखेंगे, वो बोलेंगे हाँ ये दिन साथ, तब मैं उनको लुक्स दे रही थी। खाना मुझे इतना अच्छा लगा, खाना अच्छा लगा। ओके चलो चलो सीधी कर इसको सीधी कर, क्या देख रहा है इधर, तो ये देखो जी, ये हमारी बहन हमें दिखा रही है, ये तेरी शादी हो गई है, ये एंगेजमेंट होगी तेरी, नहीं तो रिंग ऐसे कौन डालता है, ये अच्छी लग रही है, उसने जिसकी हुई है शादी उसने नहीं पहनी हुई। ये बर्थडे गर्ल है, ये तपी हुई है, गए थे अंदर, यहाँ से दोबारा बाहर आ गए, मैगी खानी है तूने, खिलाओ यार कुछ खिलाओ, पेट में आग लगी हुई है साहब, दो रोटी चाहिए बस। तो जी जमींदारा से रोटी वगैरह खा के अब हम आ गए डेजर्ट की ओर, तो अभी स्नैक्स खाने आ रहे हैं। तू कहाँ जा रहा है, ठंड लग गई है, तो अभी जमींदारों से हम खाना खा के आ गए डेजर्ट खाने की ओर। ये मैगी जमींदारों में कुछ दिखाया नहीं हमने क्या खाया, सही बात, क्योंकि कहते खाने वाली चीज कभी नहीं दिखानी चाहिए क्या खा रहे हैं हम। आपका वही होगा, ओए ओए ये लड़के दे हॉफ रे है, वो कर दो एक हॉफ रे, पीछे बैठो, क्या खाना, विवाहित बंदे की जीवन शैली देखने के लिए सब्सक्राइब करें जीजा जी प्लस टू। ये सब चीजें जो है किसने मंगवाई है, ये सारी ये तूने खानी है, तू सारी तूने खानी है। तो गाइस खा के कितना सुंदर है। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने ट्रक में, तो अभी हम बनाएंगे कढ़ाई, आज हमने मटन चढ़ाया हुआ है। सॉरी गाइस, तो गाइस अभी हम आ गए हैं दोबारा से खा पी के दोबारा से कार में, तो अभी जाऊंगा मैं रूम में। तो जी अभी क्या है, बाइक जो है वो अभी निकाल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि नाली बहुत खुदी हुई है, बहुत दिनों से काम चल रहा है,
बट देखते हैं अभी कि क्या बनती है चीज़। ठीक है ठीक, पीछा स्लिप कर रहा है गुंड। थोड़ा रिस्की तो है यहाँ से थोड़ा सा, बस 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 आगे निकल जाएगी। तो जी फिलहाल क्या है कि बाइक बड़े दिनों बाद आज निकाली है। तो बेसिकली क्या है, जैसे अभी भैया को भी जाना है, मुझे भी जाना है, तो जब भी हमें निकलना हो ना और दो मिनट की या एक मिनट की हमें क्लिप शूट करनी हो, उस टाइम दे धड़ाधड़ फोन, दे धड़ाधड़ फोन। मतलब भैया ने बाइक निकालनी थी, वो बाइक नहीं निकाल पा रहे क्योंकि उन्हें फ़ोन ही इतने आ रहे हैं। हेलो गाइस, तो बात आप सबकी बहुत सारी डिमांड, अच्छी डिमांड पे जो है हमारी बाइक जो है हमें मिल चुकी है। तो कोई बाइक नहीं मिली है, बेसिकली हुआ क्या कह रहे, पता नहीं आज मैटर हो रहे हैं स्ट्राइक है नहीं है पता नहीं है, बट फिर मैंने कहा चलो यूनिवर्सिटी जाना है और इनको सिर्फ छोटे से काम के लिए जाना था, फिर मैंने कहा बहाने से ये भी निकल जाएगी। बेसिकली क्या है, छोटे वाली बाइक पर ना ये भी कंफर्टेबल रहते हैं, एक तो ये थोड़ा सा एवरेज वाइज भी थोड़ी वो है। क्यों नहीं लेके जाते हो आप इसको, रीज़न बताओ ना, क्योंकि ये मेरी बाइक है, सिंपल सा रीज़न एक ही है। तो ठीक है, फिलहाल अभी ये निकलेंगे तो व्लॉग वगैरह, हेलमेट पे कैमरा अभी मैंने देखा तो अचानक से ही प्लान बना, तो माउंट मेरे पास पड़ा था बट क्या है कि उसकी बैटरी वगैरह कोई भी चार्ज नहीं थी, इतनी देर में ये लेट हो जाएंगे, बट फिर कभी आपको मोटो व्लॉग भी दिखाएंगे। तो इसके आगे की कहानी मिस्टर तुषार सिंह का ग्वाल जी कंटिन्यू करते हैं। तो जी आज जो है KTM पे चला रहे तो हैं, लेकिन आज जगह चेंज हो गई है साहब की। चलो पहले बोल देता, इधर से मैं आया था घूम के, मुझे कॉल करने वाला था, मैं अभी बाइक चला रहा है। तो जी आज एक्चुअली क्या है कि गाड़ी मेटाडोरों की है स्ट्राइक, तो रश इसलिए ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है। अभी पूछते हैं यूनिवर्सिटी में, देखते हैं वहाँ क्या बनता। बैठ बैठ जी, बाइक यहाँ लगा के तो अभी चलते हैं। एक्चुअली आज मसला क्या है कि हमारा जो फर्स्ट सेम है वो ख़त्म हो गया, तो सेकंड सेम की एडमिशन जो वो हमें करवानी है, पेपर कल ख़त्म हुए और एडमिशन आज शुरू हो रही है। मतलब इनको पता भी नहीं कितना प्रेशर होता है पेपर देने का, और रेस्ट भी नहीं करने दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ जो देनी जाती है वो छीन लेनी चाहिए। एडमिशन करवा के तो बल्लू तुम्हारी जेल से फरार हो जाएगा, अगर होती रहे यार कोई चक्कर, थोड़ा घर पर भी थोड़ा काम देखना है। तो देखते हैं जो भी सीन्स ऐसे बनते हैं, डेली की वही चीज़ बार बार रिपीट करके आ जा रहे जा रहे, लेकिन चलो एट द एंड कुछ भी है कुछ नया ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और तब तक मिलते हैं सब पहले सीधी बार से। आज यूनिवर्सिटी में काफ़ी शांति बढ़ी हुई है, क्योंकि एक तो मेटाडोर्स वगैरह बंद थी और पेपर से चल रहे तो कब ख़त्म हुए वो सभी। तो जी अभी अंदर से पूछ के आए हैं, तो अभी हम बैंक जा रहे हैं, वहाँ पर रसीद कटा के तो फिर आएंगे दोबारा। बैंक यहीं पर रखी थी पहले, लेकिन जगह दूर है तो चलना हमारे काम के खिलाफ है, और बाइक उधर लेके जाएंगे, फिर वहाँ सबमिट करवा के फिर दोबारा यहाँ पे आते हैं। तो जी अभी आ गए हैं बैंक, यहाँ से कटवाएंगे रसीद और फिर जाएंगे दोबारा। तो जी बाइक लगा दी अब यहीं साइड पे, क्योंकि सुबह जब वहाँ से निकाली थी वहाँ पे लग गई थी मशीन, शाम तक बाइक कह रही थी करवा लेंगे, फिर इसको शाम तक जाना घर पे भी। तो चलिए जी अभी खाना वगैरह खा के सब निकल चुके हैं, बाइक पे जाऊँगा, तो बाइक क्या पता रास्ता कैसे ही रहता है, The night's young, and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna
hearts running wild. चलो जी, अभी आए थे यहाँ पे और ए बाइक का हो गया टायर पंचर। ये मेरे ख्याल से जम्मू से वहाँ चला हूँ, उसी टाइम लग गया था मुझे कुछ वहीं से हुई चीज़, लेकिन अभी चेक करके लगेगा पता क्या हिसाब है। तो जी आ गया घर पे पंचर पंचर लगा कर, अब एक घर पे देखते हैं कोई है कि नहीं। जी क्या खूब लगती हो, बड़ी चुड़ैल लगती हो। तो जी सुस्त त्वचा का राज क्या है आपकी? खुद ही कहानी सुनाता। It has just begun as she puts her hand in my